मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में यूपी राजस्थान बॉर्डर पर हुआ बवाल। आपको बताते चले कि लॉकडाउन में मजदूरों का पैदल पलायन उस समय मथुरा पुलिस पर भारी पड़ गया जब राजस्थान यूपी बॉर्डर पर मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों का पालन कराते यूपी पुलिस ने पैदल पलायन पर मजदूरों को सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। मजदूरों के बहुतायत के होने पर मजदूर पुलिसकर्मी पर भारी पड़ गए और बताते चले कि पुलिसकर्मी के चोटिल होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल तनाव और पुलिस पर हमले की बात की जानकारी होते हुए एसएसपी डीएम सहित कई थाने के फोर्स मौके पर पहुंच गई, स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। उधर एसएसपी भरतपुर ने सारे मामले में लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर औद्योगिक नगर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बताते चले कि मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, इनकी वजह से कोरोना लगातार यूपी में अपने पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मजदूरों को समुचित व्यवस्था के तहत घर जाने की अनुमति दी है। थाना मगौरा की जाजम पट्टी पर यूपी पुलिस के मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण क्वारंटीन करने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। मजदूरों को प्रवेश करा उनको गंतव्य तक छोड़ने में लगी है, लेकिन राजस्थान में मजदूर लगातार प्रवेश कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस उन मजदूरों को नहीं रोक रही है जो बताया जा रहा है कल शाम को राजस्थान सीमा पर इकट्ठे हुए थे। मजदूर यूपी पुलिस ने आज भेजे जाने का आश्वासन दिया है, उसी को व्यवस्था पूरा करने के लिए मथुरा प्रशासन जुटा हुआ है। मजदूरों का सब्र बांध टूट गया है। राजस्थान पुलिस के लचर व्यवहार के चलते मजदूर आगे बढ़ने लगे और दो दरोगा सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बॉर्डर पर बवाल पुलिसकर्मियों के लिए भारी पड़ गया। अब कोई मजदूर पैदल यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। सभी इंतजामों के साथ ही सभी मजदूर को मथुरा प्रशासन अपने घर तक भिजवाएगा। कब तक मजदूर राजस्थान में रहेंगे? उधर एसएसपी भरतपुर ने बताया कि मजदूर के पैदल पलायन पर यूपी पुलिस प्रवेश मामले में थाना औद्योगिक नगर की शिथिलता की बात सामने आई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योग नगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी। और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर की ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पे आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से। सर, कोई घायल तो नहीं हुआ? कोई घायल वगैरह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।